जी, अब मैं बता दूं आपको गुड न्यूज उन तमाम मेरे बहनों भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में हैं, और जो जब से मेरे खावा भाई के चैनल पे लाइफस्टाइल फिटनेस पे इंटरव्यू दिया था, वो तब से लोग बहुत गिला कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि उनको पाकिस्तान से नहीं मिल रही, तो आप सबके लिए खुशखबरी है जी। सलाम दोस्तों, वेलकम बैक। सबसे पहले आप सबका, आप सब दोस्तों का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने खाबर भाई के चैनल पे लाइफस्टाइल फिटनेस पे आके उनसे बात की थी, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया था। उस वीडियो को आप लोगों ने इतना पसंद किया, उस वीडियो को आपने इतना पसंद किया, इतने व्यूज माशाल्लाह से उस वीडियो पे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, खावर भाई को भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत दोस्तों ने सवाल सवाल जवाब पूछे, और दैट वाज रियली 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 वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। मेरा जो है वो हौसला आप लोगों ने बहुत बुलंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको याद होगा उस वीडियो में मैंने आके अपनी जब वेट लॉस जर्नी की डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी, तो उसमें मैंने जिक्र किया था माचा पाउडर का और ग्रीन टी का। तो आज मैं आपको वही उसी माचा पाउडर का के बारे में कुछ बताऊंगा कि एक उसको बनाते कैसे हैं, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि अगर तो आप पाकिस्तान में हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो आपको कहाँ से हो सकती है, वो आपको कहाँ से मिल सकती है। तो चलें और टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि माचा पाउडर और ग्रीन टी में फ़र्क क्या है। एक तो आपको ग्रीन टी जो है वो मिल जाती है आम, वो आपको लूज में भी मिलती है, और आपको टी बैग्स के फॉर्म में भी मिलती है और लोज भी मिलती है। लेकिन जो माचा पाउडर है इसको भी माचा ग्रीन टी ही कहते हैं, क्योंकि इसको इसको आप बनाते हैं पानी में, तो ये भी कंसिडर जो है वो टी ही की जाती है, लेकिन इसको माचा पाउडर ग्रीन टी कहते हैं। तो माचा पाउडर में और में फर्क ये है कि ये जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी की ग्रीन टी होती है, और ये पाउडर फॉर्म में होती है। इसकी क्वालिटी जो है वो ग्रीन टी से बहुत। माचा पाउडर का अगर आपको मैं बनाने का तरीका बताऊं, तो इसको जो है वो यंग लीव्स लेके उनको 3 हफ्ते तक जो है वो धूप नहीं लगने देते, 3 हफ्ते तक धूप ना लगाए, लगा के उसको जो है वो उसको ग्राइंड कर लेते हैं, उसको 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 पत्तों को जो है वो टहनियों से अलग करके उनको ग्राइंड कर लेते हैं, और उसको ग्राइंड करके प्योरेस्ट प्योरेस्ट जो है ना वो पाउडर फॉर्म में उसको और जब ये बन जाता है तो बेसिकली ये बहुत ही फाइन पाउडर टेक्सचर जो है ना उसकी फॉर्म में आ जाता है, और वो उसको माचा पाउडर कहते हैं, और उससे फिर हम माचा पाउडर के अगर फायदों की बात करें तो फायदे ही फायदे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और क्लोरोफिल भरपूर होते हैं इसमें, इससे आप कैंसर, डायबिटीज और ऐसी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे आप महफूज रह सकते हैं। ये बॉडी को जो है वो क्लेंस कर देता है माचा पाउडर बिल्कुल, और वेट लॉस में जो है ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेरी भी इसने वेट लॉस में बहुत हेल्प की, मेरी वेट लॉस जर्नी में थ्रू आउट जो है वो मैंने एवरी डे जो है वो 1 कप इसका पिया था। इसको इसकी कंजम्पशन जो है वो 1 कप से ज्यादा नहीं होती, अगर आपने इसको कंज्यूम करना है तो सिर्फ 1 कप अ डे, 1 कप अ डे, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। इसको बनाते कैसे हैं ये मैं आपको भी, ये तो बात हो गई कि माचा पाउडर है क्या, ये बनता कैसे है और इसके फायदे क्या क्या हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए नॉर्मली खास अलग से चीजें मिलती हैं जिनसे आपने इसको बनाना होता है, एक वो स्पून, वो चीजें मैंने भी ली बनाने के लिए और मैंने उनसे भी बनाई, लेकिन आप इसको उन चीजों के बगैर भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से बना के दिखाऊंगा कि आप दोनों तरह से कैसे बना सकते हैं। मैंने उन चीजों का इतना इस्तेमाल नहीं किया,
लेकिन मैंने ले लिया था क्योंकि जब मैंने वीडियोस खुद मैंने यूट्यूब पे देखी तो वो देख के यही लगा कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो इसको पीना जो है ना, इसको दूसरी तरह उनसे बगैर बना के पियेंगे तो वो फायदे नहीं होंगे। लेकिन मैंने आजमा के देख लिया, मैं आपके सामने हूं, मैंने उस तरह से नहीं बना के पिया, जिस उन चीजों के साथ नहीं बना के पिया, मैंने खुद से जो है वो चीजें चमची यूज कर ली या फोक यूज कर लिया, तो और उसी तरह मैंने यूज किया और रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने बैठा हुआ हूं। सो अब मैं आपके आपको यानी ये खुद अपने तजर्बे से ये कह सकता हूं कि अगर वो चीजें आपके पास नहीं भी हैं तो आप उनके बगैर भी बना। चले आपको मैं दिखाता हूं कि इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है, अच्छा इसको आप वैसे तो कप में भी बना सकते हैं लेकिन मैं फिलहाल ये बड़ी इसमें बनाऊंगा ताकि आपको मैं आसानी से दिखा भी सकूं कि क्या करना क्या है। तो थोड़ा सा ले लें माचा पाउडर। अब ये अगेन आपको मैंने पहले बताया था कि अगर ये स्पून आपके पास नहीं भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी स्पून जो है वो यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ले लें और इसको अच्छी तरह से छान लें ऐसे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इसमें जो ये देखें थोड़े से आगे हैं, इसको भी आप फर्दर जो है वो इसको पीस दें। मैं वैसे ये हर वक्त नहीं करता था लेकिन चूंकि मैंने आपको दिखाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना मैं बार बार ये नहीं करता था, मैं स्ट्रेट अवे अंदर डाल दिया करता था। ये हो गया, इसके बाद बॉईल हुआ हुआ नहीं लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी जो है लेके वो इसमें डाल लें थोड़ा सा पानी डाल लें उसमें। और इसको अब जरूरत पड़ेगी हमें इस ग्रीन टी विस्क की। अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो चीज़ों को मैंने बताया था उनमें से एक चीज़ ये थी। अब ये खास होता है बेसिकली ग्रीन टी को विस्क करने के लिए, उसको मिक्स करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं भी है, क्योंकि मैंने ये ले तो लिया था, जैसे मैंने आपको बताया मैंने ये ले लिया था लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया इतना, मैं यही काम चमची के साथ कर लिया करता था। अगर मैं आपको अभी भी दिखाऊं करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से, ताकि इतना कर लें कि उसमें थोड़े से बबल्स आ जाएं, थोड़ा सा वो फ्रॉथी हो जाए। ये देखें अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से देखें, आप ये देखें अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि उसमें बबल्स आ गए हैं। अगर ये भी आपकी अपनी प्रेफरेंस है, अगर आप चाहते हैं कि वो ज़रा फ्रॉथी हो तो ज़्यादा कर लें, अदरवाइज अगर ये ना भी हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। आप उस ये देखें हमारा तैयार हो गया है। अच्छा ये ऐसे आप देखें ये थोड़ा सा फ्रॉथी है, बबल्स आए हैं उसके अंदर। ये अगर आप फोक से करेंगे जिस तरह मैं फोक से करता हूँ तो इस तरह शायद बबल्स ना आए, लेकिन बबल्स ना भी आए ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने उस तरह से ही पिया है ये इतना टाइम। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये इतना यूज़ नहीं किया, ये मैंने सिर्फ ले लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि इसके बगैर जो है वो ये बनेगा नहीं और मैं पी नहीं सकूंगा। तो अब हम इसको डाल लेंगे कप में और इसमें हम डाल लेंगे बॉइल्ड वाटर। पानी को मैंने पहले बॉइल कर लिया हुआ है और ये हमारी जबरदस्त सी माचा ग्रीन टी तैयार है। ये देखें जी ऐसे जबरदस्त सी, ऐसा खूबसूरत ग्रीन कलर है, ऐसी जबरदस्त सी जो है वो ग्रीन टी तैयार हो गई है। और इसके फायदे जो हैं, जब आपने ये पीना शुरू की तो फायदे मुझे आप लोग जो है वो कुछ दिनों में बता रहे होंगे इंशाल्लाह। अब मैं बता दूं आपको गुड न्यूज उन तमाम मेरे बहनों भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में हैं और जो
जब से मेरे खावा भाई के चैनल पे लाइफस्टाइल फिटनेस पे इंटरव्यू दिया था, वो तब से लोग बहुत गिला कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि उनको पाकिस्तान से नहीं मिल रही। तो आप सबके लिए खुशखबरी है, खावा भाई ने ही माचा पाउडर जो है, ये माचा ग्रीन टी पाउडर जो है वो इम्पोर्ट कर लिया है। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इस नंबर से पे आप उनको मैसेज करके तो ऑर्डर कर सकते हैं। खावर भाई, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं खावर भाई के चैनल का लाइफस्टाइल फिटनेस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे ये बाय कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी सेरेमोनियल माचा पाउडर जो है वो इम्पोर्ट किया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूं कि आपको भी इससे वही फायदे हासिल होंगे जो मुझे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।